लवली पीपल, वेलकम बैक टू फूड प्रोडक्शन। तो गाइस, आज मैं बनाऊंगा महाराष्ट्रियन क्यूजिन की दूसरी रेसिपी। तो आज मैं बनाने वाला हूं मुंबई का फेमस स्ट्रीट फूड, जो कि किंग ऑफ स्ट्रीट फूड के नाम से भी जाना जाता है। जी हां, आज मैं बनाने वाला हूं वड़ा पाव। तो चलिए करते हैं आज की रेसिपी स्टार्ट। वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे एक मसाला। तो मसाला तैयार करने के लिए हम मारेंगे तड़का। तो तड़का मारने के लिए मैं ले रहा हूँ रिफाइंड ऑयल, कम से कम 2-3 चम्मच मैंने ले लिया है रिफाइंड ऑयल, और इसको होने देते हैं गरम। तो रिफाइंड हो चुका है गरम, और अब इसमें डालते हैं राई। कम से कम 1 चम्मच मैंने राई डाल दी है, इसको मिला देते हैं। और इसी के साथ डालते हैं हम कड़ी पत्ता, और इसके साथ डालते हैं हरी मिर्च, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और इसके साथ ही हम डालते हैं मसाले, हल्दी पाउडर 1 चम्मच करीब, ज़्यादा मसाले का यूज़ नहीं करेंगे इसमें, और 1 चम्मच छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार, और इसको अच्छे से मिला देते हैं। और इसके साथ अब डालते हैं हम आलू। मैंने कम से कम 5 मीडियम साइज आलू लिए हैं, और इनको रफली मैश कर दिया है, पूरा बारीक पेस्ट नहीं बनाना है इसका। जैसे समोसे के अंदर आलू होते हैं, उसी तरह से हम भी आलू को तैयार करेंगे। और इसको मिला देते हैं अच्छे से। और अच्छे से मैंने इसको मिला दिया है, और थोड़ा डालते हैं हम इसमें पानी 1-2 चम्मच करीब, जिससे मसाले हमारे अच्छे से मिल जाएं। तो लीजिए, ये मसाला हो चुका है तैयार, और इसको रखते हैं हम अलग ठंडा करने के लिए, और तब तक करते हैं हम बैटर तैयार। बैटर तैयार करने के लिए मैंने लिया है बेसन, कम से कम 1 कप मैंने बेसन ले लिया है, और इसमें ऐड करते हैं नमक, कम से कम 1/2 चम्मच से भी कम नमक डाल रहा हूँ मैं इसमें, क्योंकि नमक हमने पहले भी ऐड किया है आलू में। और डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, वो भी 1/2 चम्मच से कम, और इसको मिला देते हैं इस तरह से हाथ से। और इसके बाद ऐड करते हैं हम इसमें पानी। हम ज़्यादा थिक बैटर नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब हम इसको आलू में कोट करेंगे तो ये ज़्यादा मोटा नहीं दिखना चाहिए जब इसके वड़े बनाएंगे, इसलिए बैटर को हम हल्का पतला रखेंगे। तो लीजिए, हमारा बैटर हो चुका है तैयार, ना ही ये ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है, परफेक्ट बैटर बना है। अगर हम ज़्यादा पतला कर देंगे इसको, तो ये जब हम आलू के गोले बनाएंगे तो उसमें ये कोट नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको अपने हिसाब से इसको देखना है, ना ही जाए ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा पतला हो। तो अब इसको रखते हैं हम थोड़ी देर, ऐसे ही छोड़ते हैं, और तब तक कर लेते हैं हम आलू के गोले तैयार। तो अब बनाते हैं हम इसके वड़े। तो वड़े हम ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे, एक रेगुलर साइज़ का हम वड़ा बनाएंगे। तो इतना साइज़ काफ़ी है, या तो एक बहुत छोटा बनाएं, या तो एक बहुत ही बड़ा बनाएं जम्बू साइज़, या ये एक रेगुलर साइज हम बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे
वड़े बनाएंगे। तो लीजिए फिलहाल मैंने 3-4 वड़े तैयार कर लिए हैं और इनको हम ऐसे रखते हैं कम से कम 10 से 15 मिनट, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएं। तो हमारे वड़े अच्छे से सेट हो चुके हैं और अब करते हैं हम डीप फ्राई। तो मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है, तेल हो चुका है हमारा गरम, और जो हमारा ये बैटर है इसमें हम इसको डुबा देते हैं इस तरह से, और इसमें अच्छे से हम कोट कर लेते हैं। तो ये हो चुका है अच्छे से कोट, और इसको हम डालते हैं इस तेल में। तो इसी तरह से हम औरों को भी डाल देते हैं और इसको कर लेते हैं हम मीडियम फ्लेम में फ्राई। और फ्राई तब तक करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये हो चुका है हमारा वड़ा बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्राई और क्रिस्पी भी बहुत ही बढ़िया हो चुका है। तो इसको निकाल देते हैं हम बाहर। और इसी तेल में लगे हाथ हम ये हरी मिर्च भी फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने ये लंबे इसमें बीच में से चीरा लगाया है और इसको कर लेते हैं फ्राई। तो लीजिए हमारी ये मिर्च भी फ्राई हो चुकी हैं और कर लेते हैं गैस को बंद और इन मिर्चों को निकाल देते हैं एक प्लेट में। और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा छिड़क देते हैं नमक और थोड़ा चटपटा करने के लिए थोड़ा सा चाट मसाला। आहा, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आने वाला है। तो लीजिए हो चुकी है मेरी तैयारी। तो वड़े तैयार हैं, पाव तैयार है और चटनी तैयार है। तो मैंने एक हरी चटनी बनाई है धनिया और हरी मिर्च को लेकर, और उसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है और खट्टेपन के लिए नींबू मैंने ऐड किया है। और रेड चटनी के जगह जो रेड ऑथेंटिक चटनी बनाई जाती है वो मैंने नहीं बनाई है, तो उसकी जगह मैंने रेड चिली सॉस का यूज मैं कर रहा हूँ। तो चलिए अब बारी आती है इसको असेंबल करने की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाव लेंगे। तो पाव को मैंने बीच में से कट कर लिया है और इसको इसी साइड से मैंने हल्का सा इसको सेक लिया है, जिससे हल्का सा यहाँ पे एक कुरकुरापन को मिले। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे चटनी ऐड। तो नीचे के साइड से इसमें हम लगा देंगे हरी चटनी और ऊपर के साइड से हम लगा देंगे इसमें हल्का सा ये सॉस, रेड चिली सॉस। और ये चटनी लगाने के बाद अब इसमें हम फिट करते हैं, पहले तो ये मिर्च रखते हैं इस तरह से और फिर रखते हैं हम ये वड़ा। तो इसी तरह से हम सारे पाव करेंगे तैयार। तो लीजिए हो चुका है हमारा वड़ा पाव तैयार। तो है ना बहुत ही आसान रेसिपी, तो आप भी अपने घर में बनाइए और गर्मा गर्म मसालेदार चाय के साथ इसका लुत्फ़ उठाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए ये रेसिपी आपको कैसे लगी। तो इसी के साथ कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।